और नंबर सेकंड, एक और चीज़ आप दोस्तों के साथ शेयर करता चलूँ कि देखें, दो किस्म के यूज़र है हमारे ना। एक वो यूज़र है जिसको अपना पासवर्ड याद है, वो तो इजीली अंदर जा रहा है और अपने उसको प्रोसेस को आगे कर रहा है। जिनको नहीं याद, तो उनके लिए मेल का थोड़ा इशू आ रहा है। तो जिनको याद है वो तो अपडेट हो रहे हैं, और मैक्सिमम लोग अपडेट हो रहे हैं, ठीक है ना। तो जिनका नहीं है उनको इंशाल्लाह मेल आनी शुरू हो जाएंगी, उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और नंबर सेकेंड, जो कार कमेटी के हवाले से बात थी, कार कमेटी आपकी इंशाल्लाह सेकंड फेज में, ये पहला वीक ये प्रेशर थोड़ा रिलैक्स हो जाए, तो उसके बाद वो मैन्युअली अपडेट्स होंगी सारी की। तो जो आईडीज होंगी, जिन लोगों का एफसीपी कोड होगा, वो जो आईडी उसके अगेंस्ट देंगे, उसमें इंशाल्लाह उसको एक्टिव किया जाएगा कार कमेटी के हवाले से। ऐसा नहीं है कि कार कमेटी को पेंडिंग है या वो उसके ऊपर बात नहीं हो रही, चंद दोस्तों का सवाल था। तो बिल्कुल वो कार कमेटी आपकी है, और वो एज इट इज़ इसी तरीके से इंशाल्लाह एक्टिव कर दी जाएगी। लेकिन वो फर्स्ट वीक में उसके ऊपर काम नहीं होगा, ये फर्स्ट वीक ये जो है इस एक्टिवेशन के लिए है। जी जी यासर भाई, प्रॉफिट आपका जो प्रॉफिट है वो मंथली आया करेगा, वो डेली बेस पे शो नहीं होगा। आपका काउंटर चल रहा होगा, आपके दिन काउंट हो रहे होंगे, 30 दिन बाद आप उसको ले सकते हैं। मंथली बेस पे आपको प्रॉफिट मिलेगा, डेली शो होने वाला प्रॉफिट नहीं होगा, बल्कि वो महीने में एक दफ़ा ही शो होगा, जितना आपका प्रॉफिट बनता है और आप उसको कैश कर सकेंगे।